तो यहाँ गाइज वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो ये वीडियो शॉपिंग होने वाली है लॉकडाउन के ऊपर, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस हम ज़रा यहाँ पे आए थे, यहाँ पे यानी कि वो बाजू में वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे मम्मी हेयर ड्रायर लेने, मतलब हेयर ड्रायर के बारे में पूछ रही है, हेयर ड्रायर है कि नहीं, और देखते हैं अभी हेयर ड्रायर मिलता है कि नहीं। अगर इधर मिला तो सही बात है, नहीं मिला तो आगे भी एक शॉप है, तो उधर जाके हम लोग लेंगे हेयर ड्रायर। और आप जैसे कि देख सकते हो यार, मतलब लॉकडाउन का कुछ असर लग नहीं रहा है, बिकॉज सब ये हमारे विरार के इधर का है सब कुछ। तो गाइस वही सब चीज़ें हैं। तो या पब्लिक व्लॉगिंग भी यार करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक व्लॉगिंग में ऐसी बात होती है कि आप अगर जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसा देख सकते हैं, और आपको पता ही है क्योंकि गाइस बहुत लोग देखते हैं, अगर इनको ये व्लॉगिंग के बारे में पता नहीं है। हाँ ना हेड रहा है। तो गाइस या देखो गाइस, मुझे ना मतलब मेरे बालों के लिए चाहिए, तो मुझे हेयर ड्रायर चाहिए था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हेयर ड्रायर चलेगा, तो वही सब। और अभी हम लोग ये एरिया का आई थिंक, मुझे बेसिकली नाम नहीं पता है क्या है, बट जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे दोस्त का घर भी है, उससे भी आपको मिलाएंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी मिलाएंगे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जल्दी मिलाएंगे। तो अभी पता नहीं मुझे मम्मी को हेयर ड्रायर मिला है कि नहीं, अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो ठीक है, आगे जाके देख लेंगे हेयर ड्रायर किधर मिलता है कि नहीं। बार आई मीन पब्लिक व्लॉगिंग की, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मतलब लोग देख रहे हैं, वो एक स्टार्टिंग में नर्वस फीलिंग आती है, बट इवेंचुअली सीख जाते हैं लोग। आई मीन मुंबई के निखिल, MS के इरफान जूनियर जो, वो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, तो यार हम तो कुछ नहीं है। तो या अगर पब्लिक में, और वहाँ पे आए दो सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, तो अपनी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, तो पब्लिक में ब्लॉगिंग करके अपने सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। तो अभी वो बोल रहे थे कि वीडियो कब डालोगे, तो मैंने उनका वीडियो नहीं निकाला, बट वो बोल रहे थे कि वीडियो कब डालोगे, तो मैंने कहा कि कल डालेंगे, कल यानी कि आज। तो या वही, तो यार पहली बार हम लोग ने पब्लिक ब्लॉगिंग किया, मतलब देख के सब लोग देख रहे, ऐसा देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, बट क्या अभी बोलने का, इनको नहीं पता गाइस व्लॉगिंग क्या होता है, क्या नहीं। तो या अभी देखते हेयर ड्रायर मिलता है कि नहीं। सो फाइनली गाइस हमें हेयर ड्रायर मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी अच्छे क्वालिटी का मिलेगा नहीं, बट ठीक है अभी के लिए ये चला सकते हैं। तो अभी मुझे ना गाइस एक कैब भी लेने जाना है, तो मम्मी इधर है, मम्मी हाय बोलो। हाय। तो गाइस हेयर ड्रायर मिल चुका है, अभी कैब लेना है एक, तो देखते हैं अभी कैब किधर मिलता है। अभी कोई दुकान तो चालू होगा कि नहीं पता नहीं, बट चालू होगा तो जाएंगे। हाँ तो गाइस जरा मैं ये शॉप के इधर आया था, आप ऊपर देख सकते हैं ये शॉप। तो गाइस मेरे बालों के ऊपर मत ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको पता ही है कि ये बाल की हालत कैसी हुई है। शॉप इसका मैं एड्रेस दे दूंगा आपको, तो इसका एड्रेस मैं आपको दे दूंगा गाइस जल्दी से। और ये अंकल से आपको मिला, तो अगर आपको कोई भी कैब चाहिए तो ये अंकल कितने तक मिल जाएंगे? कैब भाई मेरे पास 60 के, 80 के, 100 के, 150 के, 180 के, 200 के, 250 के, कम से कम 350 तक के मेरे पास रेंज है। ठीक है, मतलब कोई भी अपनी वैरायटी मेरे पास, हर एक वैरायटी मिलेगी। तो गाइस अगर आपको लेना है कोई भी कैब, अगर ये मैंने कितने मिले अंकल, 100 में ली गाइस, आप देख सकते हो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कैब की। अगर आपको लेना हो तो मैं शॉप का एड्रेस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको आना है तो चेक कर सकते हो अगर आप विरार के हो तो। या गाइस अब मिलते हैं आगे। गाइस हम लोग जरा आए थे, मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे, तो मम्मी कैसा लगा? बहुत मम्मी तो गाइस आपको पता है मैं तो निकला हूँ बाहर, बट मम्मी तो निकली ही नहीं है। मम्मी आपको कैसा लगा कि बाहर निकल के, आप बताओ? बहुत अच्छा लगा, जोर से बोलो माइक पे अम्मा है हमारा। इतना लॉकडाउन था, ऐसे लग रहा था कब से घर से कभी निकलेंगे बाहर, आज तो इतना अच्छा लग रहा है, बाप रे। सब इधर उधर सब लोग चलते आते, सब गाड़ी बीड़ी सब देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बोलेगा तो बहुत।
तो गाइस हम लोग आए थे मतलब हेयर ड्रायर लेने के लिए, पहले तो आए थे हेयर ड्रायर के साथ मम्मी ने, मम्मी आपने क्या लिया? हेयर ड्रायर। मम्मी ने हेयर ड्रायर लिया और एक गाउन लिया मम्मी ने, और मैंने कैप लिया। तो वो मैं अभी जो शॉप में हूँ तो वही है, सामने ही है वो शॉप, आप देख सकते हो वो शॉप है वो। तो अगर आपको कैप अच्छे प्राइस में, और वो खुद से बना देगा इसे, मतलब वो खुद से स्टिच करके कैप बनाते, तो अगर आपको वैसी कैप चाहिए रेडीमेड, आपके अपना नाम भी लिखा सकते हो उस कैप के ऊपर, तो आप जाइए और ये शॉप में आइए। तो या गाइस, या गाइस मैं आ गया हूँ फिर से अपने घर पे। आप देख सकते हो घर पे थोड़ा घर मेस्ड अप है, वो क्यों? क्योंकि अभी हम लोग आए और सब मेस्ड अप है, तो अभी इसको जल्दी से हमें क्लीन करना है। तो सबसे पहले व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कैब ली ना गाइस, ये कैब की मतलब क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने उसका एड्रेस दिया है, तो अगर आपको चाहिए, आप विरार से हो तो आप ले सकते हो, बिकॉज वो अंकल ने कैब अच्छी रखी थी। तो वो खुद से बनाते हैं, आपको जैसा चाहिए आप अपना नाम लिखवा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको जैसी कैब चाहिए वैसे आप हाँ वही ले सकते हो। तो या गाइस ये कैब भी मुझे अराउंड 100 रुपीज़ पड़ी, तो 100 रुपीज़ में बहुत अच्छी। दादी कैसा लग रहा हो? दादी कैसा लग रहा हो? दादी क्या ठीक है? अच्छा लग रहा हो यार, दादी बोल रही है। गाइस आप कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा हो, क्या मेरे ऊपर कैब सूट करती है या मेरे जुल्फे ही मुझे अच्छा लुक देती है। तो कैब या जुल्फे, तो कमेंट में जाइए और बताइए। और गाइस ये मेरा पहला मतलब बाहर जाके व्लॉग किया था, मतलब लॉकडाउन के पहले हम नहीं कर पाए बाहर जाके व्लॉग, तो हम लोग ने लॉकडाउन में किया। लॉकडाउन में आपने देखा ही होगा, अगर आपने देखा ही होगा जैसे मैं बाहर जा रहा था तो पीछे से लोग आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ये इन लोगों को गाइस पता नहीं होता कि व्लॉग क्या होता है, लेकिन इन फ्यूचर सबको पता चल जाएगा कि व्लॉग क्या होता है। अगर कोई भी ऐसा सेटअप लेके जा रहा है तो उसको समझ जाएगा कि यार ये बंदा व्लॉग कर रहा है। तो या अभी उसके लिए टाइम है, तो होप यू एंजॉय द वीडियो। तो गाइस ये वीडियो पे प्यार दिखाइए, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एक गुरु दक्षिणा मतलब, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिल गई यार कैप, और मुझे ऐसे ग्रे में भी लेनी है, तो यार अभी के लिए ब्लैक चला लेते, उसके बाद ग्रे भी लेंगे। सो यार गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग घर पे ही होगा। वैसे रोज़ बाहर तो नहीं निकल सकते, बट रोज़ बाहर ना ही बाहर नहीं निकल सकते, तो नेक्स्ट व्लॉग तो घर पे ही होगा। तो तब तक के लिए बाय गाइज, और कुछ नहीं।